अरे वाह क्रिश, तुम्हारा सपनों का महल तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये सपनों का महल नहीं, एक बहुत महान कवि का महल है, जहां अब उनके दो बेटे विजय और अजय रहते हैं। दोनों भाइयों में बहुत अच्छा तालमेल है, बस कभी कभी सुर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ये दोनों भाई तो बहुत मजेदार लग रहे हैं। इनके बारे में और बताओ ना। वही बताने के लिए तो ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जानते हो, चित्रकथी कला महाराष्ट्र की सबसे प्राचीन कलाओं में से एक है। इस कला में कहानी का एक सीन एक पन्ने पर उतार कर रखा जाता है। ऐसे कई पन्ने मिलकर जब कहानी को पूरा करते हैं तो उन्हें एक कपड़े में बांध कर रखते हैं, जिसे पोथी कहते हैं। कहानी सुनाने वाला इस स्टोरी के साथ वीणा और हुड़क जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करके उसे और भी प्रभावशाली ढंग से सुनाते हैं। आज भी महाराष्ट्र के पिंगुली नाम की एक छोटी सी जगह में इस कला का काफी उपयोग होता है। तो फिर देख इस बात की। तो शुरू करते हैं। तो काय मनाचन काय मनाच, ये अजय विजय तो मेरा सर्कस बंद करवा के छोड़ेंगे। एक रुपए के सिक्के को 100 का सिक्का समझकर 50 टिकट बेच दिए। अरे 100 का सिक्का तो अभी तक महाराज ने भी नहीं बनवाया है। आज ही चिन्ह की खबर लेता हूँ कुटे के लिए। आयका ताई, आयका का पोस्टर लगाया एकदम पक्का। देखो देखो सर्कस का ये खेल, शेर हाथी जोकर दिखाए दिखाए दिखाए। खेल से मिलता जुलता कौन सा शब्द होगा रे बाबा? फेल तेल मेल सेल। ऐसे गड़बड़ करते रहे तो जाओगे जेल। हे आ जाए के बच्चे, अरे फिर मेरी कविता बिगाड़ी है? अरे कितनी बार बोला रे बाबा तेरे को, जब मैं कविता सोच रहा हूँ तो टोकने का नहीं रोकने का नहीं रे बाबा। टोकता नहीं तो ये कैसे बताता कि ये सारे पोस्टर आप उल्टे चिपका रहे हैं? उल्टा? तभी तो मैं सोच रहा था कि ये हाथी एकदम बंदर के जैसा उल्टा पलटी कैसे हो गया रे बाबा। अरे तू 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 ये काम कर, तू ये सबको ठीक करके रख, मैं जरा पेड़ को पानी देकर आता हूँ रे बाबा। लेकिन मैं क्यों? अरे क्योंकि तू छोटा है रे, उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे छोटा समझ के मैनेजर गलती माफ कर देगा ना रे। पर ये तो बेईमानी है। अरे बेईमानी नहीं रे बाबा, ये होशियारी है, पर तू नहीं समझेगा रे बाबा। चल अभी अभी काम कर, चल। आई शपोत, ये काय भलतो? अरे सुन रे, अरे काय रे अड़िया, अरे पढ़ना लिखना नहीं आता तो कम से कम तस्वीर देख के सीधा चिपका तो सकते थे ना। अरे वो मेरे दादा ने किया या तूने? मेरा मतलब है, मैंने सोचा कि बस बहुत हो गया, अभी तुम लोगों को मैं काम से निकाल देता हूँ, दफा हो जाऊं यहाँ से। दोन दिवस फुटपाथ पर बिताओगे तो अक्कल ठिकाने आ जाएगी तुम लोगों की, क्या समझे? फुटपाथ पर काय को सोने का? अपना मस्त वाड़ा है, वाड़े के आगे बगीचा, बगीचा के आगे समुंदर है रे बाबा। हाँ, समुंदर के आगे सुनहरी कश्ती। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम लोग सदानंद शास्त्री के बेटे हो, जिनका गांव में सबसे बड़ा वाड़ा है, हैं? और नहीं तो क्या, वो हमारे बाबा ही तो है। क्या वो स्वर्गीय विद्वान ब्राह्मण जो राजा साहब के सबसे फेवरेट कवि थे, तुम लोग उनके बेटे हो? हाँ बिल्कुल। सुनो सुनो, मन क्या कहता है, हम सब में कहीं एक कवि रहता है। कदी आमच्या वाड्यावर महाराज के साथ पिताजी की एक बड़ी सी फोटो भी लगाई है दीवार पे, वो भी सीधी। उन्हीं की दी हुई सोने के सिक्कों से तो पिताजी ने वो वाड़ा बनवाया था। देवो परमेश्वर, तेरा हिसाब किताब भी अजीब है। पैसा उसको देता है जिसके पास उसे इस्तेमाल करने की अक्ल ही नहीं है। अगर मैं थोड़ी होशियारी से काम लूं, तो शपथ इनका वाड़ा अपने नाम करके इनको ही बोल सकता था।
कधी या की आमच्या वाड्यावर। आप क्या बड़बड़ा रहे पाटिल साहेब? अरे काही नाही काही नाही, मैं सोच रहा था कितनी बड़ी भूल हो गई मेरे से, इतने महान कवि के बच्चों को मैंने सर्कस से निकालने का सोचा ही कैसे। अरे मुझको इसकी भरपाई करनी होगी कुछ भी करके। हाइला, इतनी जल्दी तो कविता की लाइन भी नहीं बदलती जितनी जल्दी इसका मन बदल गया, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने अपने दस्तखत कर दिए हैं इस कागज पे, अब तुम लोग भी अंगूठा लगा दो कि चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, ना तुम सर्कस को छोड़ के जाओगे ना मैं तुम्हें सर्कस से निकालूंगा। सच्ची? आई सपोर्ट। अंगूठा लगाने से पहले हमें एक बार सोच लेना चाहिए। तू गप बस रे, तू अभी छोटा है रे। पाटिल साहब है बहुत अच्छे इंसान, ये मन के सच्चे, तुम मत करो इन पे शक। शक के साथ क्या जाएगा रे बाबा। हाँ, इन जमा मुल हक। अरे पहले अंगूठा तो लगा लीजिए, फिर आराम से सोचते रहना। यहाँ यहाँ। हाँ चल रे, लगा अंगूठा चल। अरे दादा, अरे मैं दादा, बोलता हूँ ना चल, कुछ नहीं होगा रे। बावलट कहीं के, अपना वाड़ा बेच के ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे सर्कस की चिंदी नौकरी बचाकर बहुत बड़ा तीर मार लिया। बस एक बार उस घर में घुसने की देर है, फिर तो पाटिली शेर है। मैनेजर साहब है बहुत अच्छे इंसान, ये मन के सच्चे, तुम मत करो इन पे शक। अरे आप बंद भी करो अपनी बकबक। अरे देवा, कितनी बार बोल रहे तेरे को, जब मैं कविता सोच रहा हूँ तो टोकने का नहीं रोकने का नहीं रे बाबा। आइला ये काय? अरे तूफान आए रे बाबा, ये छोटे हमारा सामान उड़ रहा है रे। अरे उड़ नहीं रहा है दादा, फेंका जा रहा है। ए सुनो, अरे सुनो, ये क्या हो रहा है? अरे भाई हम लोग यहाँ रहते हैं। रहते हैं नहीं, रहते थे गाढ़वानो। अरे पाटिल साहब, ये सब क्या हो रहा है? तुम लोगों ने अपना अंगूठा लगाया ना इस कागज पे, जिसमें लिखा है साफ साफ कि तुम लोगों ने अपना वाड़ा मेरे को बेच दिया, वो भी सिर्फ 3 सोने के सिक्कों के लिए। तो ये रहे तुम्हारे पैसे। अरे तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे हम कहाँ जाएंगे रे बाबा। देखा दादा, मैंने बोला था ना कुछ गड़बड़ लग रही है। देखो ये वाड़ा हमारे माता पिता की निशानी है, हमारा घर हमें वापस कर दो। ठीक है तो मैं ये वाड़ा तुमको वापस बेचता हूँ, सिर्फ 10,000 सोने के सिक्के दे दो बस। हाइला, अरे ये तो अन्याय है रे बाबा। अन्याय नहीं, चतुराई। जो मैंने दिखाई और तुम लोगों की वाट लगाई, वाड़ा वापस चाहिए तो 10,000 सोने के सिक्के लेके आओ, दफा हो जाओ। चतुराई से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, ये याद रखना धोखेबाज। अरे धोखेबाज, चालबाज, दगाबाज। कुछ भी कह लो, ये वाड़ा अब तुमको वापस नहीं मिलने वाला। हाँ? हमें अपना घर वापस लेना ही होगा रे बाबा। पर कैसे दादा? चल तू सोच, मैं भी सोचता हूँ। अरे कोई ना कोई रास्ता जरूर आएगा रे बाबा। अरे अरे देख के चलना रे बाबा। कुछ सोचा दादा? अरे नहीं रे, अरे मैं तो भूल ही गया रे, मेरे को सोचने का क्या था रे। देवा, आईका आईका आईका, ना हंसती है ना बोलती है, राजकुमारी खोई खोई सी रहती है, जो कोई उसे हंसाएगा 10,000 सोने के सिक्के इनाम में पाएगा। आईका आईका आईका। सुना आपने, ये तो कमाल हो गया। अरे इसमें कौन सा कमाल है रे, ऐसी तुकबंदी तो कोई भी कर सकता है, मुझे तो ये कविता बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। नहीं रे दादा, कविता नहीं, उपाय मिल गया।
अब अगर हम जाके राजकुमारी को हंसा दें तो हमें पैसे मिल जाएंगे और हम अपना घर छुड़ा लेंगे। वाह, अब तू टेंशन मत ले रे छोटे, मैं यूं गया और यूं आया, तू इधर ही रुक, हिलना नहीं। लेकिन दादा रुको, हैला दादा सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देंगे, मेरे को इनके पीछे जाना चाहिए। दादा अच्छा तो आप महान कवि सदानंद शास्त्री के बेटे हैं, उन्होंने अपनी कविताओं से हमें बहुत गुदगुदाया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारी बेटी को हंसा पाएंगे। महाराज मैंने कविता रची है सिर्फ आपकी बेटी के लिए। वाह चलिए सुनाइए। हाँ, त्वचा तेरी कमल के फूल जैसी, नैनों का रंग निराला रे, बाल तेरे है रेशम रेशम जैसे जैसे मकड़ी का जाला रे, देख के तेरा रूप याद आ गया कमल कीचड़, हाँ कीचड़ का नाला रे। क्या कहा, ये शैतान हमारी राजकुमारी का मजाक उड़ा रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हंसाने के बजाय उसे रुला दिया सैनिकों। अरे महाराज ये स्टोरी बहुत सैड है, बड़े भैया ने तो अपनी पूरी कोशिश की थी अपनी गलती सुधारने की, लेकिन एक गलती सुधारते सुधारते वो दूसरी गलती कर बैठे, तो इसमें उनकी क्या गलती, क्या वो सच में मर जाएंगे, बताओ ना। अरे बाल्टी बॉय, तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोगों का ऐसा ही हशर होता है। लेकिन धोखेबाजी तो उस मैनेजर ने की थी, सजा तो उसे मिलनी चाहिए, है ना? बाल्टी बॉय, तुम कहानियों की सबसे अच्छी बात कैसे भूल सकते हो, हर कहानी के अंत में सब कुछ ठीक हो ही जाता है, और जब तक सब कुछ ठीक नहीं होता वो कहानी का अंत नहीं होता। महाराज अरे सुनो तो, मैं तो अरे देवा ये छोड़ रे, आज तू संभाल ले रे बाबा, बचा ले रे। महाराज एक मौका मुझे दीजिए महाराज। तुम कौन हो बरखुरदार? महाराज अपना परिचय देने से पहले मैं कविता सुनाना चाहता हूँ महाराज। ठीक है इजाजत है। कोई कहे मिट्टी को सोना, कोई कीचड़ कह जाता है, कीचड़ के बिना अस्तित्व कमल का अधूरा कहलाता है, सुंदरता कमल के जैसी राजकुमारी आप में खूब समाई है, इसमें थोड़ी सी भगवान की और थोड़ी आई वडिलांची पुण्याई है। वाह एक और कविता सुनिए महाराज। ठीक है सुनो सुनो मन क्या कहता है, हम सब में कहीं एक कवि रहता है, कभी हंसता कभी रोता कभी मुस्कुराता है, कभी खाता कभी सोता कभी गाने गुनगुनाता है, सब कुछ इस मन में रहकर ही करता है, लेकिन जब मांगता हूँ इससे भाड़ा बावलट गुल हो जाता है। सुनो सुनो मन क्या कहता है, कभी महीनों नहीं नहाता है तो कभी छत से टपकती बूंदों में भी गीला हो जाता है, कभी गुस्से में लाल तो कभी शर्म से ये पीला हो जाता है, निकलता है शान से जब भी घर से हाइला उसका धोतर ढीला हो जाता है। सुनो सुनो मन क्या कहता है, हम सब में कहीं एक कवि रहता है, हम सब में कहीं एक कवि रहता है। वाह बहुत खूब बरखुदार, तुमने इतनी अच्छी कविता कैसे कही? क्योंकि मैं सदानंद शास्त्री जी का छोटा बेटा हूँ और इनका छोटा भाई, अगर आपको ये कविता पसंद आई महाराज तो कृपया करके मेरे दादा को छोड़ दीजिए। ठीक है सैनिकों उसे छोड़ दो। हाँ ये छोड़ रे। बरखुदार तुमने न सिर्फ हमारी बेटी को हंसाया बल्कि हम सबको अपनी कविता में शामिल कर लिया, बहुत खूब बहुत अच्छे। महामंत्री
10,000 सोने के सिक्के इन कवियों को दिए जाएं। महाराज, हमें सोने के सिक्के नहीं चाहिए। हाँ, अरे आजा तू के येड़ा झा लकाए रे। अरे ये क्या बोल रहा है रे बाबा? सच बोल रहा हूँ दादा। महाराज, आपकी मदद चाहिए। सर्कस मैनेजर है ना पाटिल, उसने पिताजी का घर हमसे धोखे से छीन लिया है। बस हम पर कृपा करिए महाराज और हमारा घर हमें वापस दिला दीजिए। क्या कविराज सदानंद शास्त्री के महान पुत्रों को बेघर कर दिया? सैनिकों, उस धोखेबाज को हमारे सामने पेश किया जाए। क्या तुमने सदानंद शास्त्री जी के महान पुत्रों को घर से निकाला है? महान कौन महाराज? अच्छा ये दो गधे? नहीं महाराज, धोखा नहीं दिया मैंने, बल्कि खरीदा है बाकायदा। अच्छा, और मूल्य कितना दिया है? इस वक्त मेरे को याद नहीं आ रहा है महाराज, लेकिन अच्छा ही दिया। ये रहा। क्या कर रहा है? ये देखिए महाराज, सर्कस में नौकरी देने के बहाने इस कागज पे अंगूठा लिया है इसने। इसमें लिखा है कि कविराज का वाड़ा 3 सोने के सिक्के में सर्कस मैनेजर को तुमने बेच दिया है। क्या सिर्फ 3 सोने के सिक्के, वो भी कविराज के वाड़े के लिए? पर महाराज, इन्होंने खुद ही अंगूठा भी लगाया है। बदतमीज, तुमने ज्यादा चतुराई से इनसे अंगूठा लगवाया है, जो एक धोखाधड़ी है। तो अब सुन कि हमारा मन क्या कहता है। हमारे राज्य में एक बहुत बड़ा धोखेबाज रहता है। धोखाधड़ी उसकी अब ना चल पाएगी, मिलेगी सजा जरूर उसे, सारी हवा निकल जाएगी। सैनिकों, ले जाओ इसे यहाँ से, राजा हुक्म ये देता है। हम सब में कहीं एक कवि रहता है, हम सब में कहीं एक कवि रहता है। अरे नहीं महाराज, महाराज महाराज मेरे को माफ। और ये रहे तुम्हारे 3 सोने के सिक्के। अरे हमारा घर फिर से हमारा हो गया रे बाबा, और इसका श्रेय जाता है मेरा छोटा अकलमंद भाई और उसकी चतुराई को रे बाबा। नहीं, चतुराई नहीं, सूझबूझ। अकल का इस्तेमाल हमेशा सूझबूझ से करना चाहिए, और बाबा की ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। सुनो सुनो, सुनो मन क्या कहता है, हम सब में कहीं एक कवि रहता है, हम सब में कहीं एक कवि रहता है। सुनो सुनो मन क्या कहता है, हर दिल में एक कवि रहता है, हर दिल में एक कवि रहता है। ये कहानी सुन के मेरा मन भी एक कविता सुनाने को कर रहा है। कहानी मैंने सुनाई थी, इसलिए पहले मैं कविता सुनाऊंगा। ठीक है, बर्बाद बर्बाद। अरे बर्बाद नहीं, इरशाद होता है, इरशाद इरशाद। हाँ हाँ वही वही। डब्बे में डब्बा, डब्बे में खरगोश, डब्बे में डब्बा, डब्बे में खरगोश, कृष्ण मारी लात, बाल्टी बॉय बेहोश। अच्छा अब मेरी बारी। ट्रक के पीछे कार, कार के पीछे लॉरी, ट्रक के पीछे कार, कार के पीछे लॉरी, अगर जिंदा बचना है तो अभी बोल सॉरी। मैं क्यों बोलूं सॉरी? क्या है तेरे पास कोई प्रूफ? सारी दुनिया जानती है कि तुम हो नंबर 1 बेवकूफ। अरे विवे, सॉरी वॉरी होती रहेगी, चलो खाते हैं खाना। सॉरी वॉरी होती रहेगी, चलो खाते हैं खाना। चूहो, खाना तैयार है ना? वरना तुम्हें पड़ेगा खाना। ओए गुरु, ये लोग तो कुछ ज्यादा ही हो गए इमोशनल। भूल गए हैं कृष्ण का किया हुआ छल। याद नहीं किसी को कृष्ण से लेनी है ट्रीट। आलू पराठे, सरसों का साग, राजमा चावल, लेते हैं आपसे इजाजत हुजूरे वाला। हमसे मिलने जरूर आना दोबारा। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद।